बहुत सारे वीडियो में देखा कि साइड से दोनों पूरा नीचे से गाड़ी जीत, मैं बहुत ड्रीम था ये, बट अभी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जो हम आज वीकेंड पे हूँ मैं, छुट्टी मिला मेरे को आज कैफे से बड़े दिन बाद। जो आज जो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से रोहतांग टनल, और फिलहाल जो मेरे साथ दोस्त है आज यहाँ आए भूटान से, और अभी फिलहाल वो पढ़ते हैं वाराणसी में। फिलहाल आज सुबह ही आया था, सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट करना था, बट सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर नहीं पाया क्योंकि थोड़ा चार्जिंग नहीं था फ़ोन पे, और इसलिए ब्लॉग कर नहीं पाया शूट। और आज जो अभी मैं फिलहाल हम लोग अभी रेंट पे बाइक लिया हमने, स्कूटी हम लोग अभी जा रहे हैं रोहतांग, और एक दिन स्टे करने वाले हम लोग जिसपा या कहीं साइड जिसपा या सरजू साइड स्टे करने वाले। फिलहाल देखा पता नहीं हम लोग स्टे कहाँ पे करेंगे, स्टे करने वाले और टेंट टून पे अब कैंपिंग के लिए सोचा है, बट देखते आगे जगह क्या होता है। फिलहाल जो अभी हम लोग यहाँ पे आए पेट्रोल पंप पे यहाँ पे, और यहाँ से ऊपर हम लोग रोहतांग पेट्रोल पंप करके पहले रोहतांग जाएंगे, रोहतांग टनल और दिखाएंगे आप लोग को। और फिलहाल जो यहाँ का मौसम जो है अभी थोड़ा ठंड है यहाँ पे, फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पे अभी मौसम जो है धूप नहीं है आज, और बाल भी थोड़ा ख़राब हो चुका है हेलमेट पहन के। और फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े रहना और इन्जॉय करो यहाँ का टनल और सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, मिलते हैं आप लोग से। चलो आपको मेरे दोस्त इंस्टीट्यूट कर मिलाता हूँ, सॉरी। ये मेरा दोस्त जो आज सुबह आया था धर्मशाला से, आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है मेरे भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। टाइम नहीं से घंटे दस दर रात होता है कुछ सुबह रोहतांग रोकवा सातरी सातरी मिक्स रोकवा सी तो घूमवा सी तेरी अब हिंदी नहीं आते इतना, बस बोल लेता है ठीक ठाक समझ लेता है, बट क्योंकि भूटान से है अपने दोस्त। और देख सकते यहाँ का पहाड़ में व्यू और बर्फ ही बर्फ, और यहाँ का नजारा देख सकते हैं कुछ है यहाँ पे। हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्या बोलते, क्या पता ले लद्दाख का राइड भी कर सकते हैं यार। ऐसे मजाक कर रहे, ले लद्दाख के रहे तो स्कूटी पे कहाँ जाना जाएंगे, तो हम बाइक पे जाएंगे। अभी फिलहाल अभी हम लोग अटल टनल तक ही जाएंगे, अटल टनल जिसवा। तो मेरा आप लोग को फॉलो करना ज्यादा से ज्यादा, और जो भी नया है सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और यहाँ देख सकते कितना नज़ारा खुश रहते हैं। फिलहाल ये मेरा फ़ोन से शूट हो रहा है, अभी कैमरा तो नहीं है, जिस दिन कैमरा लाएंगे और हम लोग फिर ब्लॉग बनाएंगे भाई। जैसी मस्ती जो मैं छोटा छोटा बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी इतना चार्जिंग नहीं है, क्योंकि अभी पावर बैंक पे चार्ज भी नहीं है। जितना भी हो सकते हम सिनेमेटिक वीडियो और जितना भी होगा उतना दिखाएंगे आप लोग को। फिलहाल अभी क्योंकि मेरा फ़ोन पर इतना चार्ज भी नहीं है अभी, क्योंकि जितना हो सके उतना मैं कैप्चर करूँगा। सोलांग वैली भाई अभी शायद पहुँचने वाले हम लोग, यहाँ से चार किलोमीटर दूर है। और मेरा दोस्त को पता नहीं मज़ा आ रहा नहीं आ रहा है। फिलहाल बहुत आ रहा है, मतलब बहुत आ रहा है, तो टेंशन भी हो रहा है नया रास्ता है, क्योंकि दोस्त के लिए बिल्कुल नया रास्ता है, मेरे लिए भी नया रास्ता है, जो बाइक चला रहे इनको तो लिए और नया रास्ता है। गाय से यहाँ से अभी सोलंग वैली 3 किलोमीटर दूर है देख सकते हैं, और हमारे साथ जो राइडर्स लोग भी चले हुए यहाँ पे बाइक राइडर्स। ड्रो सारे राइडर्स लोग यहाँ पे है, जो यहाँ पैराग्लाइडिंग के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा नजारा है। फिलहाल जो अभी हम लोग यहाँ सोलंग वैली पहुंच चुके हैं हम लोग, और इससे आगे अब पता नहीं कौन से जगह आएगा, जगह का नाम पता नहीं है, बट अभी ये हम लोग फिलहाल सोलंग वैली पहुंच चुके हैं, आगे का जगह का नाम पता नहीं है। और यहाँ बहुत ही मजा आ रहा है, हाईवे फॉलो कर रहा है, बस हाईवे पे फॉलो कर रहे हैं हम लोग, जहाँ तक जहाँ मंजिल पहुँचते पहुँचे बस रोहतांग टनल पहुँच जाएंगे हम इस हाईवे से, इतना तो श्योर कंफर्म पता है, रोहतांग टनल पहुँच जाएंगे हम लोग यहाँ से। क्या मस्त है अभी, और फिलहाल अभी थोड़ा ठंड है यहाँ पे क्योंकि धूप नहीं पड़ा है, तो बादल से लग रहा है थोड़ा मौसम खराब हो बारिश का जैसा।
ट्रेकिंग ढुकियो थियो घर ढुकियो थियो आज मौसम न हो साथ ये बारिश न हो ऐसे धुआं करते सिग्नल घूम कर रहे थे बहुत ही मजेदार सारे अभी शायद ले लदा के लिए जा रहे सब राइडर के मुंह पे जा रहे हैं यहाँ से राइडर्स लोग जा रहे हैं अभी यहाँ से शायद मैं ले लदा के लिए ये कर रहे हूँ बाइक राइडर्स बहुत सारे यहाँ से शायद अभी सीजन चला हुआ ले लदा के लिए जा रहे हैं बहुत सारे राइडर्स मिले हम लोग यहाँ आए जो हम लोग आटा टाना पहुंच गए देख सकते ओहो बहुत सारे लोग गए फिलहाल दो आटा टाना पहुंच गए यहाँ पे कहे जो आज का जो मजा है बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे क्योंकि फिलहाल हम लोग अभी बड़े खुश से अभी आटा टाना पहुंच गए कत किलोमीटर है कितना किलोमीटर होगा शायद मेरे ख्याल से जिमिंदन बहुत मजा लगा था पता नहीं कितना किलोमीटर होगा बहुत ही लंबा अटल टनल यहाँ से बहुत ही गजब का टनल दिया चलो चलो गाइस हम लोग अभी रोहतांग रोहतांग के लिए परमिशन भाई चुम्बा देव देव राइडर्स सब यहाँ पे राइडर्स राइडर्स गाइस जो अभी यहाँ से परे रोहतांग के लिए जाता है रोहतांग के लिए परमिट चाहिए बोलते हैं अभी हम लोग जो बाइक यहाँ से नहीं जाएगा बोलते रोहतांग के लिए फिलहाल हम लोग रोहतांग नहीं जा रहे अभी रास्ते पे है
यहाँ बहुत ही हवा चल रहा है यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ टनल पास करके आए, यहाँ पे यहाँ से परे रोहतांग के लिए परमिशन नहीं है, परमिट चाहिए बोल रहे थे। अभी हम लोग जा नहीं रहे, अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से आगे एक वाटरफॉल है वहाँ पे देखते हैं कैंपिंग के लिए। फिर हमने जो स्कूटी लिया था मतलब लाइट भी नहीं चला, इसको भी चेंज करने जाना पड़ेगा रेंट पे लिया हुआ है। फिलहाल जो अभी हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सिनेमेटिक वीडियो और फोटो शूट कर रहे हैं, वो अगर आप लोगों को देखना होगा तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो ज़रूर देखने हैं। वो सिनेमेटिक वीडियो और रील्स भी बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मेरे चैनल जुड़े रहना मेरे साथ। मिलते हैं अभी आप लोग का भी सिनेमेटिक वीडियो बना के और मिलेंगे आप। गाइस बहुत सारे बाइकर राइडर्स का लोग होता है ड्रीम होता है लेह लद्दाख, जो अभी फिलहाल मेरा भी वही ड्रीम है लेह लद्दाख के लिए। और बाकी जो अभी जो बहुत सारे अभी किसी का ड्रीम पूरा होता है किसी का नहीं होता है, फिलहाल अभी जो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे राइडर्स हैं यहाँ पे, और ये लोग सबका अभी एक ना एक ड्रीम है सबका लेह लद्दाख जाने का ऑफ रोड, और बहुत मज़ा आता है ऑफ रोडिंग पे। और अभी फिलहाल जो अभी सारे यहाँ पे वीडियो शूट करने के लिए बैठे हैं, देख सकते कितना सारे बाइक है यहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग तो यहीं शिशु तक जाएंगे आगे वाटरफॉल के लिए, हम कैंप कुंप लगाएंगे। आपको मजा कहाँ ले जा रहे हैं आप, इंजॉय सेफ जर्नी। वाह क्यों वो रेश था तेरी आंखों में। ओहो गाइस देख सकते हैं बर्फ के टाइम यहाँ तो बहुत ही सुंदर नज़ारा है। मैंने बहुत सारे वीडियो देखा है यहाँ पे राइडर्स के और जो भी यूट्यूब पे डालते हैं फोटो फोटो। फिलहाल अभी जो यहाँ पे हरा भरा है, यहाँ पे छोटे से वाटरफॉल भी है। बस ये वाला ट्रिप तो कुछ और ही मज़ा अलग तरीके का मज़ा है। शिशु जगह पहुँच चुके हैं, यहाँ पे वो बहुत सुंदर नज़ारा दिखा तभी हमने यहाँ पे रोक दिया शिशु में। और यहाँ पे पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ, यहाँ पे लेक हर कुछ है मज़ेदार और ग्रीन ग्रीन सा है। फिलहाल जो मैं अभी रुक रुक के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो मैं बाइक पे जाते वक्त इतना मतलब आवाज़ नहीं आएगा लगता है, क्योंकि मैं माइक नहीं है मेरे पास। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटरफॉल भी है। ओह वाटरफॉल दिन गिरता हुए। सेफ जर्नी। बहुत सारे राइडर लोग यहाँ से अभी लेके लिए ट्रेवल कर रहे हैं यहाँ से। बेस्ट ऑफ भाई मौसम बारिश होने वाला लग रहा है, बहुत ठंडी लग गया। अब अभी तो मौसम बहुत ही खराब हो चुका है, यहाँ से देख सकते हैं पहाड़ी हर कुछ बना के। और हम लोग जितना आगे जाते जाएंगे हम लोग थोड़ा ऑक्सीजन का कमी होते रहेगा, क्योंकि जो पहाड़ में नहीं रहते उनके लिए ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा रहेगा। हम लोग अभी पहाड़ में रहते, मैं बचपन से पहाड़ में रहा हूँ, इतना प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। बाकी अभी हम लोग अभी सरसू जाएंगे, सरसू में भी मेरा दोस्त है वहाँ पे, उसको उससे मिलेंगे वहाँ पे सरसू के लिए सरसू में। अभी यहाँ पे तंडू पहुँचने वाले हम लोग। बस आज रात को कोई पता नहीं हमने कहाँ रुकना है क्या है, जैसे कि प्लानिंग ही नहीं है अभी तो अभी बिना प्लानिंग का चले हम लोग यहाँ पे ऐसे ही है। और आप लोग यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं हर कुछ है। हाँ
ओहो बारिश, मौसम के बारिश हो चुका है। ठंडू पहुंचने वाले हम यहाँ से अभी केलोंग, इसके बाद केलोंग। बहुत ही मजेदार ट्रिप जा रहा है हम दोनों का, मजा भी आ रहा है। गाइस पहाड़ देख सकते हो, वाओ भाई ये रास्ता देखी तो किन्नौर का याद आ गया रे। ये रास्ता देखी तो मेरे को जैसे कि हम लोग किन्नौर के ले जाते हैं, रिकोंगपियो या सबिलो साइड, जैसे रास्ता याद आ गया मेरे को। ऐसे का यादगार आ गया। अब मेरे को लग रहा है किन्नौर का भी राइड करना ही पड़ेगा अपने गांव की तरफ। बहुत मस्त जगह है अपने गांव पे भी, बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही ठंड भी है और यहाँ पे देख सकते हैं रास्ता भी बहुत ही ऑफ रोड भी है, मतलब मजा भी आ रहा है। इतना ऑफ रोड भी ठीक ठाक है यहाँ पे, और जिसको बोलते तबाही वाला, हम लोगों को पास विश्वास ही नहीं हो रहा हम सरचू जा रहे केलोंग केलोंग पहुँचने वाले। अब बात आज क्या बता, धीरे धीरे हम लोगों का ले का भी प्लान बन जाए, देखते हैं कैसे कैसे आगे। और हम लोग से जुड़े रहना, मिलते आगे आप लोग को रास्ते में व्यू बने भी बनाते हुए। गाइस बाल भी बिगड़ चुका है अभी। हम लोग फिलहाल जो यहाँ पे तंडू पहुँच चुके, हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल जब यहाँ मौसम जो बहुत ठंडी जैसा है, और आगे देखते हैं आगे कैसा होगा। हम लोग अभी सर्ची में टेंट के लिए बात हो चुका, हम लोग सर्ची में रुके आज टेंट के लिए, कल सुबह देखते फिर कल के लिए कान ड्राइव करेंगे। फिलहाल जो अभी यहाँ पे मौसम जो है बहुत ही है, चल आपको दिखाते हैं आगे का मौसम भी कैसा है। अभी बारिश का मौसम है, भगवान से दुआ करो कि बारिश ना हो, हम यही दुआ कर रहे हैं मन पे। फिलहाल हम स्कूटी के अभी तेल भरने के लिए वहाँ वेट कर रहे हैं। चलो मिलते आगे आपको रास्ते पर। गाइस अभी हम लोग केलोंग पहुंचने वाले, और रोड भी बहुत ही बढ़िया अच्छा है यहाँ पे, रोड बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि बीच में और ऑफ रोड भी है, बाकी मज़ेदार रोड है। अभी हम लोग जहाँ हम लोग को टेंट टूंट के लिए भी जुगाड़ हो चुका है, हम लोग को मिल चुका है अभी रहने सहने के लिए। अभी कोई टेंशन नहीं हम लोग को, दोस्त ही काम आता है जिंदगी में, दोस्ती बढ़ाए रखो, हर मुसीबत में दोस्त साथ देते हैं, ऐसे हमारे साथ होते रहता है। हम हर जगह दोस्त ही दोस्त है, तभी ज़्यादा टेंशन नहीं है। ज़्यादा देख सकते हैं हम लोग केलोंग पहुँच चुके हैं यहाँ पे। ना मेरे नीचे किलोमीटर 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 खाला। अब यहाँ पे केलोंग में थोड़ी देर रुकते हैं, खाना पुना खाते ब्रेकफास्ट। फिलहाल हम लोग यहाँ पे केलोंग में पहुंच चुके हैं, बस अभी एटीएम जाते हैं। गाइस फिलहाल हम लोग अभी केलोंग पहुंच चुके हैं, और केलोंग में भी थोड़ा मज़ेदार है लगा। फिलहाल यहाँ पे खाना खुना खाते, थोड़ा भूख लग गया, अभी लगभग 2:22 हो चुका है टाइमिंग। अभी यहाँ से फिर अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम यहाँ से अभी सरचू के लिए निकलेंगे। फिलहाल जो अभी चलो कुछ खाते हैं, अभी पैसा वैसा भी निकालते हैं से, आगे एटीएम नहीं होगा शहर में क्या से। केलोंग सब चलते हम लोग यहाँ से, अभी खाना खाना खाया, अभी पेट भर चुका है हम लोग दोनों का पेट भर गया, और थुपा चाउमीन मोमो खाया, बहुत मज़ेदार
हुआ था और अभी हम लोग यहाँ के निकल रहे हैं यहाँ से, थोड़ा कि टाइम भी थोड़ा लेट हो रहा है हम लोग को अभी जिसपा जाना है। और बाकी यहाँ का मौसम जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है, ठंडे बहुत ठंड मौसम हो चुका है यहाँ पे। चलते हैं अभी हम लोग स्कूटी पे और मिलते हैं आगे, रास्ते में जुड़े रहना। और बाकी अब इसके बाद जिसपा पहुँच जाएंगे, अब बीच में कोई वीडियो शूट करने मिले तो करेंगे, कि अगर फ़ोन का भी चार्ज खत्म होने वाला है। वो मिलते हैं आप लोगों को गाइस, और तब तक मेरा वीडियो देखते रहना, और दो पार्ट भी बन सकता है इसका। और चलो गाइस मिलते हैं आप लोगों को रास्ते पे। गाइस हम लोग चश्मा पहुँच चुके, थोड़ा हल्का हल्का जैसा बारिश भी हो रहा है। चल अब गेम कूद के लिए देख रहे हैं यहाँ पे। बोलो सर, कुछ गरम मरा जैसा बोलते हम देखो गरम मरे गरम वाला साला। और हम लोग जिसपा पहुंच चुके हैं यार, टायर टेस्ट का नीचे वाला बहुत ही। और क्या हाल है दीपक मेरे भाई, बैठ गया बैठ गया। ओहो क्या हाल है ब्रो, टेंट यहाँ पे, और आज रात का हम यहाँ रुकने वाले। बढ़िया हर जगह मस्त है यार जगह तो टेंट टेंट के लिए। कभी कभी लग्जरियस जीने पड़ता है। भाई तो हम मिल चुके हैं यहाँ पर, बहुत मजेदार अभी देखते हैं आगे चेक पोस्ट आगे भेजेगा तो, क्योंकि दिमाग खराब के लिए जा रहे हैं हम लोग। और अभी हम लोग को रहने रहने का कोई टेंशन नहीं है, अभी क्योंकि सब कुछ इंतजाम मनाली निकलना है, इसलिए अभी हम लोग को टाइम बचा के जाना पड़ेगा आगे। गैस यहाँ से ऊपर दीपक ताल के लिए बहुत ही चढ़ाई है, हम चढ़ पाएंगे नहीं पाएंगे पता नहीं। एक तो स्कूटी लेके आए हम लोग, फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग चेक पोस्ट, यहाँ से पर चेक पोस्ट है, वहाँ से परमिशन लेना पड़ेगा जाने के लिए। देखते आगे भेजेंगे तो फिर दीपक ताल भी दिखा देंगे आप लोग को।